हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपर सोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। सुपर सोनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट हाइप कार इन इंडिया, जो कि 2024 में बहुत ही ज्यादा हाइप में है। कौन कौन सी ये गाड़ियां हैं और डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ ऐसी गाड़ियां होंगी जो कि आप ओन करते होगे या फिर आप लोगों की ड्रीम कार होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन कार्स के बारे में। नंबर वन लिस्ट में रहने वाली है XUV700 द गेम चेंजर। जी हां दोस्तों, ये कार जब से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है तब से लेकर के आज तक ये गाड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा हाइप में है, बिकॉज महिंद्रा ने इस कार के अंदर आप लोगों के लिए हर वो चीज डाल दी है जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट हो, चाहे परफॉर्मेंस ले लो, कंफर्ट ले लो, इवन सेफ्टी भी जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल की रहने वाली है इस गाड़ी के अंदर। एक अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन मिलता है आप लोगों का एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव डिजाइन का। गाड़ी के अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो ये गाड़ी का प्राइस स्टार्ट होता है 13,99,000 से 26,98,000 रुपए तक का आप लोगों को प्राइसिंग मिल जाता है। बात करी जाए इस गाड़ी के पावर फिगर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको दो इंजन देखने को मिलते हैं, 2.2 लीटर का इंजन और 2.0 लीटर का इंजन। यहाँ पर आप लोगों के लिए डीजल और पेट्रोल दोनों में ही ये गाड़ी अवेलेबल रहने वाली है, जिसमें ये 182 bhp से लेकर 197 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करती है और 380 न्यूटन मीटर टॉर्क से लेकर 450 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करती है। ये गाड़ी इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि भाई अगर आप लोग ड्रैग रेस करते हो ना तो ये फॉर्च्यूनर को भी पीछे छोड़ देती है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अपने से सेगमेंट में बड़ी आने वाली गाड़ियों को भी ये काफी अच्छी तरीके से बीट करती है। फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो फीचर्स जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इनोवेटिव फीचर्स, इनोवेटिव डिजाइन आप लोगों को मिलता है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है। बात करूं अगर इसके फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा इंडियंस की फेवरेट रहती है। डुअल डिस्प्ले मिलता है, एडास जैसे फीचर्स मिलते हैं और सेफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5-स्टार रेटिंग अचीव कर रखी है इस गाड़ी ने। ऑल LED सेटअप, R18 इंच के अलॉय व्हील, 16 लीटर का फ्यूल टैंक, ऐसी चीजें जो है इस गाड़ी के अंदर मिलती है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो कि आती है टाटा की तरफ से। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हैरियर के बारे में, द इंडियन रेंज रोवर। अगर आप लोगों को कम बजट में एक रेंज रोवर जैसा लुक चाहिए ना तो भाई डेफिनेटली आप हैरियर की तरफ जा सकते हो। लुक्स और डिजाइन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, फुल्ली रेंज रोवर इंस्पायर्ड आप लोगों को ये गाड़ी देखने को मिलती है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के ब्लैक कलर के बारे में ना तो भाई अलग ही लेवल का फील आता है। एक हैरियर ना पूरी तरीके से रोड पे चलती हो भाई, किसी जेट से कम नहीं लगती। न्यू ग्रिल जब से इस गाड़ी के अंदर आई है तो भाई इसने तो और ज्यादा कमाल कर दिया है, लुक्स और डिजाइन में और ज्यादा बेहतरीन कर दी गई है टाटा की तरफ से। 15.50 लाख रुपीज से स्टार्ट होकर 26.44 लाख रुपीज तक इस गाड़ी की प्राइस चली जाती है। बात करी जाए इंजन के बारे में तो यहाँ पर 2.0 लीटर का इंजन देखने को मिलता है जो कि 167 bhp का मैक्सिमम पावर और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आप लोगों के लिए जनरेट करके देता है। वहीं अगर मैं बात करूं फीचर्स के बारे में तो हैरियर के अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 12.3 इंच के आप लोगों को टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 10.25 इंच की आप लोगों को फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलती है, 10 स्पीकर जो कि JBL साउंड सिस्टम के साथ आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त माहौल बना देते हैं गाड़ी के अंदर। 6-way पावर एडजस्टेबल आप लोगों को यहां पर ड्राइवर सीट देखने को मिलती है और उसी के साथ यहां पर बात करूं तो पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी और 5-स्टार रेटिंग तो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। बढ़ते अपनी थर्ड गाड़ी की तरफ जो कि है फॉर्चूनर, अ सिंबल ऑफ पावर। डेफिनेटली भाई अगर आप लोगों को एक फुल साइज SUV चाहिए ना तो इस गाड़ी के अलावा आप लोग मुझे नहीं लगता कि किसी भी गाड़ी की तरफ जाना पसंद करोगे। और अगर स्पेशली अगर आप लोग यहां पर देखते हो इसके कॉम्पिटिशन के बारे में बात करी जाए तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। आप सोचो भाई जिस गाड़ी का कोई कॉम्पिटिशन ही ना हो तो उस गाड़ी की सेल्स फिगर क्या ही जबरदस्त आती होगी। ये गाड़ी अकेली है अपने सेगमेंट के अंदर जो कि कॉम्पीट करती है। यहां पर हाँ एक गाड़ी आती है जो कि अभी फिलहाल आपको MG हेक्टर देखने को मिलती है, बट कुछ गाड़ियां हैं जो कि इंडिया छोड़ के ही जा चुके हैं तो भाई उनका कहने ही क्या। बात करी जाए इस गाड़ी के प्राइस के बारे में तो लगभग 33.43 लाख रुपीज से शुरू होकर 51.44 लाख रुपीज तक इस गाड़ी की कॉस्ट चली जाती है। गाड़ी के अंदर 2.7 लीटर और 2.8 लीटर का इंजन देखने को मिलता है पेट्रोल और डीजल के साथ। और वहीं पर अगर मैं बात करूं यहां पर पावर फिगर्स के बारे में, 163 bhp से लेकर 221 bhp का मैक्सिमम पावर और 248 न्यूटन मीटर से लेकर 500 न्यूटन मीटर टॉर्क आप लोगों को मिल जाता है। गाड़ी जो है 4x2 और 4x4 दोनों में अवेलेबल रहने वाली है, मैनुअल ऑटोमेटिक सारी की सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाती है। फीचर्स के बारे में बात की जाए तो 17 इंच के अलॉय व्हील, 3 डुअल टोन कलर्स में आप लोगों को ये पूरी की पूरी गाड़ी की स्कीम देखने को मिलती है, टायर प्रेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, JBL साउंड सिस्टम आप लोगों को मिलता है, उसी के साथ यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो पार्किंग सेंसर हो गया, ABS, EBD मतलब नॉर्मल चीजें तो आप लोगों को डेफिनेटली इस गाड़ी के अंदर मिल ही जाएंगी। बढ़ते अपनी फोर्थ नंबर गाड़ी की तरफ जो कि है क्रेटा, द अर्बन फेवरेट। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों को एक मिड साइज SUV चाहिए ना तो सबसे पहला नाम ही क्रेटा का निकल करके आता है। और जब से ये गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है, चाहे इसकी फर्स्ट जनरेशन देखो, सेकंड जनरेशन देखो, इवन जो फेसलिफ्ट भी आया, बहुत ही ज्यादा कमाल का रहने वाला है। और ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा मोस्ट सेलिंग कारों में से आती है जो कि मिड साइज SUV में बिकती है। इसी के कॉम्पिटिशन आने वाली सेल्टोस को भी ये पीछे कर देती है। और फीचर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो भाई बहुत ही जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं। गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 10.99 लाख से शुरू होकर 20.14 लाख रुपीज तक चली जाती है। और जो इसका नया वाला फेसलिफ्ट आया ना भाई, उसमें तो इन्होंने सारी चीजें चेंज कर दी है, गाड़ी को और ज्यादा बल्की कर दिया है। बंपर हो गया, हेडलाइट्स हो गई, टेल लाइट हो गई, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है इस गाड़ी के अंदर आपको चेंज मिल जाती है। बात करी जाए फीचर्स के बारे में तो आपको क्रूज
कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, उसी के साथ यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और आपको कुछ मोड्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप लोग इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हो। यहाँ पर अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो 113 bhp से लेकर 157 bhp तक का पावर और 143 न्यूटन मीटर से लेकर 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आप लोगों को मिल जाता है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सेल्टोस लेना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर क्रेटा को लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट नंबर की आती है जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाड़ी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर की गाड़ी है स्कॉर्पियो एन द आइकॉनिक एसयूवी। महिंद्रा की स्कॉर्पियो को तो आप सभी जानते ही होंगे, एक मतलब रफ एंड टफ गाड़ी जो है वो आपको इंडियन मार्केट के अंदर मिलती है जिसका नाम है स्कॉर्पियो। बट यहाँ पर स्कॉर्पियो को भाई थोड़ा सा और अपग्रेडेड कर दिया है, मतलब जैसे उसके अंदर जो कमियां आया करती थी ना, उन सारी कमियों को स्कॉर्पियो एन के अंदर पूरी तरीके से सुधार दिया गया है। और जब ये गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी तो भाई आप लोग खुद सोच सकते हो कि 1 साल से भी ज्यादा इस गाड़ी की वेटिंग थी। मतलब अगर आपको आज चाहिए 2024 में तो ये गाड़ी 2025 में आप लोगों को अवेलेबल हुआ करती थी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंजन ऑप्शन के बारे में तो महिंद्रा ने यहाँ पे भी कोई चीज नहीं छोड़ी। 2.2 लीटर का आप लोगों को इंजन देखने को मिलता है और 2.0 लीटर का इंजन मिल जाता है। पेट्रोल डीजल में आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाली है, ऑटोमेटिक ले लो, 4x4 ले लो, मतलब सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। जिन लोगों को पहले शिकायत होती थी ना कि यार 4x2 ही आती है, गाड़ी के अंदर कंफर्ट नहीं है, उतने ज्यादा फीचर्स नहीं है, तो भाई फीचर्स के मामले में तो इस गाड़ी ने भाई सबको छोड़ दिया है। ऑल LED सेटअप मिलता है, सनरूफ मिलता है, अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे, 8 इंच के टच स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, हिल होल्ड असिस्ट आप लोगों को फीचर्स मिल जाता है, तो बहुत ही ज्यादा कमाल के रहने वाला है। नेक्स्ट नंबर 6 मारुति स्विफ्ट द लेजेंड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने गाड़ी की सबसे पहले अगर आप लोगों को गाड़ी खरीदनी हो ना, एक फैमिली कार और बजट के अंदर आप लोगों को लेनी हो, तो सबसे पहले दिमाग में सिर्फ एक ही गाड़ी आती है जो कि है मारुति की स्विफ्ट। अब इसकी 4th जनरेशन आप लोगों को मालूम है कि इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई है और ये गाड़ी भी बहुत ज्यादा हाइप है। लोग मतलब शोरूम से निकालते भाई इसके अंदर अलॉय व्हील्स और ना जाने क्या क्या चीजें जो है इस गाड़ी के अंदर लगवा रहे हैं। न्यू लुक, न्यू डिजाइन के साथ आप लोगों को ये गाड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है और एक बजट फ्रेंडली कार भी रहने वाली है फॉर इंडियन फैमिली और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 6.49 लाख रुपए से शुरू होकर 9.64 लाख रुपए तक इस गाड़ी की प्राइस चली जाती है। 1.2 लीटर का आप लोगों को पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 3 सिलेंडर रहने वाला है। 80 bhp का मैक्सिमम पावर और 111 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आप लोगों को जनरेट करके दे देती है। माइलेज के बारे में बात की जाए तो इंडियन जिस चीज के सबसे बारे में पूछते हैं तो माइलेज यहाँ पर आपको 20 से 25 की देखने को मिलती है जो कि काफी कमाल की रहने वाली है। नेक्स्ट नंबर 7 यहाँ दोस्तों वरना द अल्टीमेट सेडान। ये गाड़ी भी एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और लग्जरियस व्हील आप लोगों को गाड़ी देती है और वरना की कोई सी भी जनरेशन उठा के देख लो, जब जब यहाँ पर ह्यूंडई ने इसको अपडेट दिया ना भाई, अल्टीमेट लेवल का लुक दिया है। और जो अभी आप लोगों की लेटेस्ट जनरेशन चल रही है उसका तो पूरा का पूरा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आप लोगों को मिलता है, मतलब फुल्ली आप लोगों को फ्यूचराइज्ड गाड़ी लगेगी। यार कितनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक गाड़ी जो है वो रहने वाली है। बोस का आप लोगों को साउंड सिस्टम मिलता है, 10.25 टच स्क्रीन आप लोगों को मिल जाएगी, उसी के साथ एडास मिल जाएगा, एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिलता है, ABS पार्किंग सेंसर, ना जाने क्या क्या चीजें जो है मिल जाती है। और इंडियंस की एक फेवरेट सनरूफ तो डेफिनेटली आपको मिलती है। 1.5 लीटर का आप लोगों को नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 115 bhp का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। और सेफ्टी के बारे में अगर बात करी जाए तो 5-स्टार रेटेड जो है इस गाड़ी ने अचीव कर रखे हैं और क्या ही लोगे। कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करी जाए तो स्कोडा स्लाविया हो गया, वोक्सवैगन की वर्टिस हो गई, होंडा सिटी हो गई और उसके साथ मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली सियाज। नेक्स्ट नंबर 8 महिंद्रा की तरफ से आने वाली थार द एडवेंचर किंग। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए जो आप लोगों को किसी भी ट्रेन पे लेकर के जा सके, चाहे आप लोगों को ऑन रोड करना हो, ऑफ रोड करना हो, डेजर्ट में चलाना हो, यहां तक कि अगर आपको रिवर क्रॉसिंग भी करनी हो ना, तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनी है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल जरूर नहीं है बट भाई अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको एक सेकेंडरी गाड़ी की तरफ देख रहे हो ना, आपको अगर अपना ऑफ रोडिंग के शौक पूरे करने हैं तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। महिंद्रा की थार भाई आज से नहीं ना जाने कितने टाइम से चली आ रही है और इसका भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मतलब इंडियन मार्केट के अंदर डेफिनेटली जिम्नी को लॉन्च किया है, गुरका को लॉन्च किया है, बट अगर सेल्स फिगर थार के देखोगे ना तो वो अलग ही लेवल के निकल करके आते हैं। और अगर आप चंडीगढ़ जैसी सिटी में चले जाओगे ना तो आपको थार का तो ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा का पूरा शोरूम ही खुला हुआ है। 1.5 लीटर के इंजन के साथ, 2.0 लीटर के इंजन के साथ और 2.2 लीटर के इंजन के साथ आप लोगों को मिल जाती है। सारी की सारी रिक्वायरमेंट आप लोगों की पूरी जो है वो डेफिनेटली हो जाएगी। बाकी गाड़ी के अगर आप लोगों को डोर हटाने हो या फिर अगर आप लोगों को इसकी छत हटानी हो, सब कुछ रिमूवेबल है भाई, मतलब आप लोग पूरा का पूरा नेचर का मजा जो है वो डेफिनेटली ले सकते हो। बढ़ते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ जो कि है 9 नंबर की, यानी कि महिंद्रा की बोलेरो। जी हां दोस्तों, और टाइमलेस क्लासिक, मतलब आज तक की फेवरेट रही है भाई। अगर आप लोगों को क्लासिक गाड़ियां पसंद है, डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको क्लासिक गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो महिंद्रा बोलेरो जो है उन्हीं के लिए मतलब की रहने वाली है। इस गाड़ी को सन 2000 में लॉन्च किया गया था और आज 24 साल बाद भी अगर इस गाड़ी की सेल्स फिगर देखोगे ना भाई, तो टॉप ऑफ द लाइन रहने वाले हैं। काफी ज्यादा अच्छे सेल्स फिगर में आप लोगों को ये गाड़ी देखने को मिल जाती है और काफी हद तक टॉप 10 की लिस्ट में तो हमेशा ही रहती है। यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो 9.98 लाख रुपए से शुरू होकर 10.91 लाख रुपए तक इस गाड़ी की प्राइस चली जाती है। 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर इंजन रहने वाला है, 7 सीटर ये गाड़ी रहने वाली है और क्या ही लोगे। और पावर के बारे में अगर बात करोगे तो भाई आपको मालूम ही है, कहीं पे भी आप लोगों को लेके जाना हो, किसी भी यूज में करना हो, चाहे आप लोगों को रफ यूज करना हो या फैमिली पर्पज से यूज करना हो, सामान लादना हो या किसी चीज को टो करना हो, सब कुछ बोलेरो जो है वो आप लोगों के लिए करके दे देगी और एक देसी जी वैगन वाला तो फील आप लोगों को डेफिनेटली देगी ही देगी। बढ़ते अपनी नेक्स्ट और लास्ट नंबर गाड़ी की तरफ जो कि आती है मारुति सुजुकी की तरफ से। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई फ्रॉन्क्स।
जी हाँ दोस्तों, बलेनो के ही चैसी के ऊपर बेस्ड आप लोगों को ये गाड़ी देखने को मिलती है। कुछ चीजें जो है इसकी डेफिनेटली चेंज कर दी गई है। 7.52 लाख रुपीज से शुरू होकर 13.0 लाख रुपीज तक आप लोग इस गाड़ी की प्राइस चली जाती है और बलेनो से काफी हद तक इंस्पायर लगेगी आप लोगों को फ्रंट लुक और थोड़ा बहुत पीछे का जो डिजाइन है। और काफी लोगों के मुंह से मैं ये सुनता हूँ कि भाई लेने के लिए हम बलेनो जाते हैं बट लेकर के हम लोग जो है फ्रॉन्क्स आ जाते हैं, तो ये चीज जो है आप लोग समझ सकते हो अगर आप लोग भी बलेनो लेने जाते हो या अगर आप लोग फ्रॉन्क्स लेकर के आयोगे। बाकी अगर फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ऑलरेडी सेटअप मिलता है, 308 लीटर का ब्यूट स्पेस मिलेगा, R16 इंच के अलॉय व्हील्स हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, कीलेस एंट्री, ABS, ये सारे फीचर्स जो है वो डेफिनेटली मिल जाते हैं। गाड़ी आपको दो इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है, 1.0 लीटर का टर्बो इंजन, 1.2 लीटर का आप लोगों को इंजन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का रहने वाला है। तो यही थी जो कि मोस्ट हाइप गाड़ियां हैं 2024 की आप लोगों के लिए इंडियन मार्केट के अंदर। और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो इन सारी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी को लोगे आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट कर दो फटाफट से भाई, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं, फटाफट से कमेंट कर दो। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके कमेंट के ही ऊपर हो।